हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई गेमिंग वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं रोप हीरो वॉइस टाउन। तो गाइस लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था भाई, हमने एक मोस्ट पावरफुल हथियार खरीदा था, लेकिन भाई उसकी टेस्टिंग ही नहीं की थी हमने। और भाई मैंने ये सुना है कि उस वेपन का पावर ऐसा है ना कि अगर हमने उसको सही से यूज किया तो भाई वो पूरे पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर सकती है। वेल हम लोग भाई यूज करने वाले उस वेपन का, उससे पहले मैं उसको ऑर्डर कर देता हूँ। उसके साथ भाई मैंने एक और वेपन खरीद लिया और उसकी भी टेस्टिंग करने वाले भाई आज की वाली वीडियो में। वेल सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, उस वेपन को जो ऑर्डर कर देता हूँ, मतलब जो वेपन था हमारा। और ये रहा भाई हमारी BD-100, मतलब हमारी मोस्ट पावरफुल वेपन भाई BD-100। ओके हमारी BD-100 आ चुकी है और एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर बैठता हूँ। और वेट भाई कहाँ जा रहा है यार, मैं तेरे को गाड़ी के अंदर नहीं बैठने के लिए कहा था यार, तेरे को मैंने बैठने के लिए कहा था उसके अंदर, मैंने तेरे को BD-100 के अंदर बैठने के लिए कहा था भाई, तू गलत जगह बैठ गया है। फिर शायद ये बंदा उठ के मारेगा मुझे, ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है? ओके ओके मेरे से फाइट करने आ रहा है भाई। ओ भाई फाइट करने आ रहा है, उससे पहले मैं बैठ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको तो मैं फिनिश कर दूंगा आराम से। थोड़ा सा उड़ते हैं और इसको ब्लास्ट कर देते हैं। ओ भाई देखो गाड़ी के साथ इस बंदे का भी कंकाल बन चुका है भाई। और मैं फिलहाल अभी पुलिस वालों से पंगे लेने वाला हूँ, मतलब पुलिस वालों की चितड़े उड़ाने वाला हूँ। तो पुलिस वाला है कहाँ पे यहाँ पे? ओके ओके भाई पुलिस वालों को छोड़ा, लेकिन एक मिलिट्री वाला जा रहा है तो इसके ऊपर गोली बरसाते हैं भाई। ओके ये भाग गया रे, रुक जा भाई, निशाना लगा के मारना होगा। तेरी भैंस की टंग दोबारा बच गया भाई, ये तो ये गलत बात है भाई। ओके इस बार ब्लास्ट हो चुका है, थर्ड बार मेरी लास्ट चांस था, अगर ब्लास्ट नहीं होता तो भाई दिक्कत हो जाती। ओके वेल सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि अभी हमें मिलिट्री बेस की तरफ ही अटैक करना है। और भाई मैंने मिलिट्री बेस के ऊपर हल्का सा गोली क्या चलाई, या तो पुलिस वाले लग गए भाई पीछे। ओके मिलिट्री बेस की दीवारों पे भी मैं अटैक कर चुका हूँ और भाई 3 स्टार की पुलिस तो लगी चुकी है वैसे ही। और भाई ये देखो पुलिस वाले कैसे अगल बगल घूम रहे यार, मतलब भाई ऐसे पुलिस वाले अगल बगल घूमेंगे तो हो गया दिक्कत भाई। मेरे को पुलिस वालों से पंगे नहीं लेने, मेरे को मिलिट्री वालों से पंगे लेने, लेकिन वेल पुलिस वाले भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो तू कहां जा रहा है भाई, कोरोना के पेशेंट? पीस ब्रेक, ओ भाई हमने शांति को तोड़ दिया। ये एक और पुलिस वाला आ रहा है, खत्म भाई। ये देखो इसकी कंकाल कहां जाके गिर रही है भाई, ये थोड़ा अच्छा है। ओके अभी फिलहाल हमें मिलिट्री बेस जाना, तो मिलिट्री बेस चल के अटैक करते हैं। भाई मैं अभी मिलिट्री बेस पहुंचा नहीं, उससे पहले हेलीकॉप्टर कैसे आ गया यार? पहले कहता हूँ हट जा वरना बहुत तेज मारूंगा मैं तेरे को। वैसे तो मैं इसको रॉकेट लॉन्चर से भी मार सकता हूँ, लेकिन भाई मैं इसको मारूंगा गोलियों से, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर ने मेरे को बहुत बार गोलियों से मारा, तो मैं इसको गोली से ब्लास्ट कर दूंगा। ओके ब्लास्ट हो चुका है और भाई मिलिट्री वाले अटैक कर रहे, अभी तो मैं घुसा भी नहीं अंदर, उससे पहले मेरे पे अटैक कर रहे हो। ओके खत्म हो चुका है। और कॉल किसका आ रहा है यार, मेरे को अभी मुझे अभी कॉल नहीं उठानी भाई। ओके मैं फिलहाल भाई मिलिट्री बेस पहुंच चुका और यहाँ पे अटैक करना चालू करते धूम धूम भाई साहब। ये ले तू भी, और भाई उधर से RPG चला रहे, ले बेटे तू भी मर। ओके खत्म हो चुका है। और भाई और कोई आ रहा है भाई? अभी तो कहता है एक हेलीकॉप्टर, दोबारा कैसे आ गया? ओके हेलीकॉप्टर खत्म, ये तो तुरंत ही खत्म हो चुका है। हमारी BD-100 भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, सोचा था उससे ज्यादा ही पावरफुल है। ओ भाई RPG चला रहा है, दोबारा बंदा आ गया RPG वाला। तेरी भैंस की टंग तू कहां से आ गया बे? मैंने गलती से तेरे को मिस कर दिया था भाई मारना। ओके अब तुम मर जाओ। ओके खत्म हो चुका है भाई। ओके ये भी बंदा खत्म हो चुका है और एक और हेलीकॉप्टर ही लास्ट। भाई मैं इस हेलीकॉप्टर को मैं मार नहीं पा रहा भाई। ओके अब फिनिश हुआ है, मैं इसको मार ही नहीं पा रहा था भाई, मैं ट्राई करे जा रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारी भैंस की टंग। ओ भाई टैंक भी आ चुका, 5 स्टार की पुलिस लग चुकी है भाई हमारे पीछे, और टैंक भी आ चुकी, तो टैंक को भी फिनिश करूंगा। अरे आराम से भाई आराम से, पहले इन सब नमूनों को फिनिश करूं वरना मेरे को भाई दिक्कत हो जाएगी बाद में। सामने ही आ चुका है टैंक, तो टैंक को देखते हम मार पाते हैं फिर टैंक हमें मार पाता है भाई। ओके ये तो 3री बार में फिनिश हो चुका है भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे कोई लड़ाई करने लायक ही नहीं यार। भाई अब देखो एक बार मिलिट्री बेस का हालत, भाई मैं जब आया था ना तो कैसा था, और अब देखो भाई कैसा हो गया मिलिट्री बेस, बिल्कुल खत्म सा हो गया है बिल्कुल। बस यहाँ पे बिल्डिंग नहीं गिर रही, वरना बिल्डिंग भी गिरा देता मैं अभी तक, तो बिल्कुल कचरा हो चुका है। वेल हमने BD-100 को तो टेस्ट कर लिया, अब चलते अपने नेक्स्ट वाले वेपन की तरफ। ये हमने भाई दोबारा गेम को रिस्टार्ट किया, वरना 5 स्टार की पुलिस हमें छोड़ती नहीं। ओके तो हमारा भी नेक्स्ट वाला जो वेपन होने वाला है वो कार बॉल होने वाला है, मतलब वो एक ऐसी बॉल है भाई जो कि कार में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब घूमती भी है। तो ये देखो ये रहा भाई कार बॉल, इसको हम परचेज करने वाले हैं और इसको ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर डिलीवर 18 की है भाई, 80,000 का तो सिर्फ इसको डिलीवरी करने का चार्जेस है भाई, बहुत ज्यादा है। ओके ये हमारी गाड़ी भाई आ चुकी है और इसको भी लेके भाई सबसे पहले हम लोग मिलिट्री बेस चलते हैं। ओके हम लोग मिलिट्री बेस पहुंचने वाले और मैंने रास्ते में पुलिस वालों को मार दिया था भाई, 4 स्टार की पुलिस लग चुकी है, कुछ ज्यादा ही मैंने मार दिया। वेल मुझे सबसे पहले, अरे ये तो दीवार के ऊपर भी चढ़ रही है, पता नहीं था भाई मेरे को। वेल सबसे पहले मेरे को भाई अंदर की तरफ जाना है मिलिट्री बेस के, और ये भाई ओ भाई देखना कितना गंदा वाला रोल हो रहा है भाई। पिछली बार तो मेरे पीछे वो नहीं आया था भाई, रोबोट नहीं आए थे उड़ने वाले, ये रोबोट कहाँ से आ गए भाई? भाई चारों तरफ से गोली पड़ रही है और मैं सिर्फ इसको डैमेज चेक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें वेपन चलाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसमें भाई सिर्फ हम लोग घूम सकते हैं गोल गोल। इसमें मैं सिर्फ इसकी शील्ड की प्रोटेक्शन देखने आया हूँ कि कितनी है इसकी शील्ड की प्रोटेक्शन। ओ भाई आराम से कार बॉल की डैमेज देखो कितनी रह गई है, और मैं कंटिन्यूसली इस पे गोली खाए जा रहा हूँ, मेरी एक हेल्थ खत्म होगी भाई, और मेरी गाड़ी की हेल्थ खत्म होने वाली, मेरे ख्याल से दोबारा रिलोड होगा क्योंकि भाई BD-100 दोबारा रिलोड हो गया था।
और शायद नहीं भाई दोबारा रिलोड नहीं हुआ ये कार्बोल और BD-100 में। भाई BD-100 बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, उसके सामने मिलिट्री बेस भी नहीं टिक पाई थी। वेल गाइज आज की इस वाली वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप कि वाली वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।